बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सीवी प्रेजेंट। तो आज मैं आपको न्योला उस्ता के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज से हम इटली की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह हमने स्पेन की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, इसी तरह आज हम इटली की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, आज उसकी एपिसोड नंबर 1। और आज हम न्योला उस्ता के बारे में बताएँगे कि फैमिली यूनिफिकेशन के लिए आप न्योला उस्ता कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। ताकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्योला उस्ता के निकालने के लिए जो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान में पहले और दूसरे पेज की कलर कापी चाहिए होगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जो इटली में हैं वही प्रोवाइड करेंगे। उसमें जो प्रोवाइड करने में जो आपका तरीकाकार है, उसमें जो आप जिस घर में अब रह रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट है, और मालिक के कुछ पेपर्स होंगे जो आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और आप उनके आगे इमिग्रेशन में देंगे। साथ ही इसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आएगा, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका जो ओनर है वो आपको कुछ देगा, कुछ पे स्लिप्स आपकी होंगी। जिस घर में आप रहेंगे उसकी मेजरमेंट होगी, लेकिन जैसे वो इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ न्योला उस्ता निकालने से पहले इंक्वायरी होगी, वो न्योला उस्ता वो आपकी मेजरमेंट करेंगे कि बंदा कितने बंदों को अप्लाई कर सकता है और इस घर में कितने बंदे रह सकते हैं। तो इस कैटेगरी में आपके जो पेपर निकलेंगे उसको फिर न्योला उस्ता कहते हैं। उसमें आपका सीरियल नंबर लिखा होगा, बाकी की आपकी सारी डिटेल होगी, पासपोर्ट नंबर, आपका नाम लिखा होगा, और देन आप यहाँ पाकिस्तान में आके प्रोसीड कर सकते हैं और अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो वैल्यूएबल रही होगी, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। आने वाली एपिसोड में हम दूसरे न्योला उस्ता के बारे में बात करेंगे, जिसमें वर्क होगा, मेडिकल होगा। तो इसी तरह अगर फिर आगे हम पाकिस्तानी पेपर्स की बात करेंगे डिटेल से, कि हर एक दिन हम नया एपिसोड बनाएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।